दोस्तों यदि आपका मोबाइल फोन भी हैंग करता है, लैग करता है, रुक रुक कर चलता है, या दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करती है, या दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गेमिंग करते हैं आपका गेम भी दोस्तों अटक अटक कर चलता है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपका मोबाइल फोन दोस्तों जिंदगी में हैंग नहीं होगा और रॉकेट की तरह चलने लगेगा। दोस्तों इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गेमिंग भी करेंगे ना, वो दोस्तों रॉकेट की तरह चलेगा, ठीक है, और आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है, ठीक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों चाहे आपके पास कोई सा भी मोबाइल फोन हो और कितना भी पुराना मोबाइल फोन हो, आप पुराने से पुराने मोबाइल फोन को नया बना सकते हैं। यदि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को एक बार अप्लाई करेंगे तो जिंदगी में आपका मोबाइल फोन दोस्तों कभी भी हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को एक बार अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई जरूर करके देखना है, ठीक है। यदि आपके मोबाइल फोन की दोस्तों स्क्रीन है वो दोस्तों रुक रुक कर चलती है इस तरीके से, तो ये ट्रिक सभी मोबाइल फोन के अंदर काम करेगी, तो आपको अप्लाई करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, आप ध्यान से देखना। आपको दोस्तों क्या काम करना है, अपने मोबाइल फोन की फाइल मैनेजर में आ जाना है, ठीक है। दोस्तों ये सभी के मोबाइल फोन के अंदर रहती है, तो आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में आना है सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक में, ठीक है। दोस्तों जितना भी आपके मोबाइल फोन के अंदर कचरा रहता है ना, जितना भी आपका मोबाइल फोन पुराना हो जाता है, वो दोस्तों यहाँ पर जितना भी कचरा है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, तो आपको सबसे पहले इस कचरे को यहाँ पर क्लीन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ब्राउजर में आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लीन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी जंक होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको दोस्तों इसको यहाँ पर क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर दोस्तों आपको परमिशन देनी है, ठीक है। दोस्तों ये रही, इसको परमिशन देने के बाद अब दोस्तों क्या होगा, आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी कचरा होगा, ठीक है, जितने भी एप्लीकेशन है ना दोस्तों, आपके दोस्तों यूट्यूब आप यूज करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, ट्रूकॉलर करते हैं, दोस्तों इनके अंदर कचरा जमा हो जाता है, ठीक है। इनका आपके मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी काम नहीं रहता है और आपका मोबाइल फोन दोस्तों हैंग होने लगता है, तो सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक को आपको यहाँ पर क्लीन कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर जितना भी जंक होगा ना, वो सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक को इस्तेमाल करने से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन दोस्तों हैंग नहीं होगा और रॉकेट की तरह दोस्तों चलने लगेगा सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक की मदद से। दोस्तों इस ट्रिक के लिए लाइक तो बनता है, ठीक है। अब दोस्तों ये थी सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक आपके मोबाइल फोन को हैंगिंग को लेकर, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक। दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन रहती है जिसका नाम है प्ले स्टोर, ठीक है। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है ना उनको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, ट्रूकॉलर, व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक। दोस्तों अब इसी के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग करनी है। दोस्तों आप समझते हैं कि प्ले स्टोर की मदद से हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप यदि इसके अंदर एक खुफिया सेटिंग करेंगे ना, तो आपका मोबाइल फोन दोस्तों जिंदगी में हैंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सेकेंड नंबर की खुफिया ट्रिक को अप्लाई करना है इसी के अंदर, ठीक है। आपको सेटिंग के ऑप्शन में नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे आना है, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिला ऑटो अपडेट ऐप, ऑटो प्ले वीडियोस। अब ये दोस्तों आपके प्ले स्टोर के अंदर यहाँ पर और एनी नेटवर्क पर सेलेक्ट होगी। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, दोस्तों जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी बड़े बड़े गेम हैं दोस्तों, पबजी है, फ्री फायर है, दोस्तों इनका अपडेट जल्दी जल्दी आता है, तो क्या होगा, इनका अपडेट ऑटोमेटिक होने लगेगा आपके मोबाइल फोन के अंदर। यदि 50 एप्लीकेशन है, 100 एप्लीकेशन है, तो इनका अपडेट दोस्तों ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन दोस्तों हैंग होने लगेगा और आप सोचोगे मेरा मोबाइल फोन पता नहीं क्यों हैंग होता है। तो आपको कर देना है इसको यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट ऐप। यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर किसी भी गेम का अपडेट आएगा तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, जिससे आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक को अप्लाई करके जरूर रखना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, सेकंड नंबर की ट्रिक है दोस्तों ये, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड नंबर की ट्रिक। दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर एक खूब ये सेटिंग रहती है,
यदि आप इस सेटिंग्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करेंगे ना, तो जिंदगी में दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गेमिंग करेंगे, ठीक है, या दोस्तों कुछ भी करेंगे ना, वो दोस्तों आपका गेम भी अटकेगा नहीं, ठीक है। तो आपको कैसे उस खुफिया सेटिंग्स को इनेबल करना है अपने मोबाइल फोन के अंदर, अब देखो आपको सेटिंग में आना है दोस्तों। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला माई फोन का, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी बिल्ड नंबर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर एक डेवलपर ऑप्शन सेटिंग इनेबल हो जाएगी, अब उसी के अंदर आपको ये सेटिंग करनी है दोस्तों, ठीक है। आपको दोस्तों बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आना है, यहाँ पर दोस्तों डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसी के अंदर एक खुफिया सेटिंग को इनेबल करना है आपको, ठीक है, डेवलपर ऑप्शन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या काम करना है, ध्यान से देखना दोस्तों, आपको नीचे आना है, नीचे आना है, इसी के अंदर आपको दोस्तों तीन सेटिंग करनी है। इन सेटिंग को करने के बाद आपका मोबाइल फोन दोस्तों रॉकेट की तरह चलेगा, ठीक है, कभी भी जिंदगी में हैंग नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, इतनी वीआईपी ट्रिक होने वाली है आपके मोबाइल फोन को लेकर। आपको दोस्तों नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, यहाँ पर एक खुफिया सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे आते रहना है दोस्तों। आपको यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगी, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ठीक है, ये दोस्तों खुफिया सेटिंग है। अब आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है, अब ध्यान से देखना, आपको दोस्तों विंडो एनिमेशन स्केल पर क्लिक करना है। दोस्तों ये यहाँ पर इस तरीके से होगी, एनिमेशन स्केल 1x पर, ठीक है। आपको दोस्तों करना क्या है, इसको यहाँ पर एनिमेशन स्केल 0.5x पर सेट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से 5x पर। तीन सेटिंग है दोस्तों इसकी है हैंगिंग प्रॉब्लम को लेकर, इसको आपको यहाँ पर 5x पर सेलेक्ट कर देना है। अब यदि आपका मोबाइल फोन की दोस्तों जो स्क्रीन है ना, वो दोस्तों रुक रुक कर चलती थी, अटक अटक कर चलती थी दोस्तों, आप ये बटन दबा रहे थे और चल रहा था ये बटन, ठीक है, तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना स्क्रीन को लेकर, वो दोस्तों खत्म हो जाएगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। अब यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो आपका मोबाइल फोन दोस्तों हैंग होता होगा, ठीक है। तो अब ये ट्रिक आपके मोबाइल फोन को जो गेमिंग है ना उसको हैंगिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। अब ये देखना, आपको दोस्तों नीचे आना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फोर्स 4x MSAA। अब यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कितना भी बड़ा गेम खेलेंगे ना, ठीक है, वो दोस्तों जिंदगी में हैंग नहीं होगा। आपको क्या काम करना है, फोर्स 4x MSAA को इस सेटिंग को ऑन कर देना है। अब यदि कोई भी गेम खेलते टाइम दोस्तों आपको 4x की और ज्यादा स्पीड मिलेगी और जिंदगी में आपका मोबाइल फोन दोस्तों हैंग नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, इसी के अंदर एक और सेटिंग करनी है तीसरे नंबर की, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट पर सेट होगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस सेटिंग को यहाँ से चेंज कर देना है। अब दोस्तों इसको कर देना है आपको A1 मोस्ट 1 प्रोसेस, ठीक है। अब यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कोई गेम खेलेंगे ना, सिर्फ आपका गेम ही दोस्तों बैकग्राउंड में चलेगा और दोस्तों जितनी भी एप्लीकेशन है ना वो दोस्तों बैकग्राउंड में नहीं चलेगी, जिससे दोस्तों आपका मोबाइल फोन का गेम है ना वो दोस्तों हैंग नहीं होगा, ठीक है। यदि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका दिन शुभ हो।